कौन कहता है कि कोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है, उसमें थ्योरी भी है और ऐसी थ्योरी है जो आपको बाकी से हटके बनाई, क्योंकि हर बच्चा थ्योरी को छोड़कर चले जाता है, उसके डायग्राम को छोड़कर चले जाता है, वो सीधा फोकस करता है कार्ल पियर्सन और स्पेसमैन और टॉपिक पूरा छोड़ देता है। तो वही चीज हम पकड़ेंगे जो बाकी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट और हम एक एक चीज को पॉइंट आउट करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार, मैं शिवम द्विवेदी, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। आज हमारी क्लास नंबर 32 जिसमें हम पढ़ने वाले स्कैटर्ड डायग्राम के बारे में। दोस्तों जनरली ये वाला टॉपिक बच्चे छोड़कर स्किप करके चले जाते हैं, ये सोच के तो डायग्राम एग्जाम में डायग्राम थोड़ी आएंगे, किसने वाला डायग्राम नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्या आप पढ़ोगे नहीं। भैया अपनी नॉलेज को इनहांस करने के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज पढ़नी चाहिए और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए, जिससे लाइफ में कभी भी स्टैट्स में तो दिक्कत आएगी ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। तो स्कैटर्ड डायग्राम में आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल और टोटल 5 टॉपिक्स के बारे में, इसके अंदर जो कि आपका परफेक्टली पॉजिटिव डायग्राम, परफेक्टली नेगेटिव डायग्राम, पॉजिटिवली डायग्राम, नेगेटिवली डायग्राम और नो कोरिलेशन डायग्राम। ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपके दिमाग में एकदम से घुस जाएगा, बात को समझना। बात करते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आपको पता है पॉजिटिव रिलेशनशिप तब होता है जब दो वेरिएबल में दोनों या तो अप हो या दोनों के दोनों डाउन हो। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, या तो दोनों एरो ऊपर या दोनों एरो नीचे, इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसे में जब भी आप अपना डायग्राम बनाओगे ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, यानी डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये आपका इस तरीके से एग्जैक्टली 45 डिग्री, देखो परफेक्टली, मतलब ओ माय गॉड, उमदा क्वालिटी का। पॉजिटिव कोरिलेशन तो अपवर्ड होता है, बट अगर आपके सारे पॉइंट जो है, जो भी आपके पॉइंट है वो इनके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये कहलाता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब आपको जो डेटा गिवन है उस डेटा से जब आप डायग्राम बनाओगे और वो डायग्राम आपके 45 डिग्री के ऊपर सारे पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। बात करते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ओहो सर, ये तो ऊपर नीचे होता है। हाँ बिल्कुल, ऊपर नीचे होता है, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। अब क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है तो हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। एग्जैक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर ऐसे में हमारे जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स इनके ऊपर लाई कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो समझ जाना ये क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर इसी ऊपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरीके से, पॉइंट सारे इसी के ऊपर आ रहे हैं, तो इस डायग्राम को क्या बनेंगे? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, डायग्राम के पॉइंट इधर उधर ना हो, एग्जैक्टली इसी के ऊपर हो। ठीक है, चलिए अब हमारा, हमने अपने पास परफेक्टली पॉजिटिव भी कर लिया, मैं इसको ब्लू पेन से टिक कर लेता हूं, परफेक्टली पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब ये जो पॉजिटिव है इसके भी दो पार्ट है, हाई और लो, और नेगेटिव के भी दो पार्ट है, हाई और लो। तो चलिए, मैंने पॉजिटिव में कोरिलेशन में हाई भी लिखा है, पॉजिटिव कोरिलेशन में लो भी लिखा है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव कोरिलेशन, देखो आप एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि पॉजिटिव कोरिलेशन का सीधा सा मतलब होता है कि डायग्राम आपका ऐसे ऊपर जाना चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब सुनना, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब देखो परफेक्टली होने के लिए तो इसी के ऊपर पॉइंट आए, अब परफेक्टली तो वर्ड लिखा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हमारे जो भी पॉइंट है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे, ज्यादा दूरी पर नहीं है, इस लाइन से ज्यादा दूर नहीं है वो पॉइंट, इसीलिए बोल रहे थे इसको पॉजिटिवली कोरिलेशन, वो भी हाई। हाई क्यों? क्योंकि इस लाइन के आसपास है, ये लाइन से दूर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन लो, तो लो में क्या होगा, पॉइंट दूर दूर बनेंगे, जो प्लॉटिंग होगी ना पॉइंट्स की वो बहुत दूर दूर होगी, ये देखो पास पास एक भी नहीं है, सारे पॉइंट दूर दूर है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन लो। है तो पॉजिटिव लेकिन लो है, लो क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री से दूर दूर पॉइंट आउट हो रहे हैं, और इनका कर्व बनाएंगे तो एक दूर दूर कर्व जाके बनेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्टली, तो वो सॉरी पॉजिटिव तो है बट ये लो है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में भी हाई और लो, नेगेटिव में भी हाई और लो, तो ये लो नेगेटिव। आप जो नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं, दोनों ही केस में हमारे डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। अगर ये हमारे इस लाइन के आसपास है, अगर ये हमारे इस लाइन के आसपास है,
तो ये क्या कहलाएगा बताओ नेगेटिव कोरिलेशन हाई हाई मतलब ये आसपास है लेकिन अगर ये पॉइंट हमारे इससे दूर दूर बन रहे हैं इससे दूर दूर बन रहे हैं पास की जगह दूर दूर बन रहे हैं ये देखो ये पास नहीं ये दूर दूर बन रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन तो है बट लो है क्या है लो है बोलो क्लियर हुआ अब बात करते हैं लास्ट ये हमने दो कर लिए पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया अब बात करते हैं नो कोरिलेशन नो कोरिलेशन में कोई ना तो अपवर्ड होगा ना डाउनवर्ड होगा ये गोल गोल घूम सकता है ये किसी भी शेप में ये वो नदी है ये वो दिमाग है हमारा जो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में और कभी भी चला जाता है जिसे बोलते हैं नो कोरिलेशन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये बनाऊ ये लो ये मैंने पॉइंट आउट किया अब बताओ ये जो मैंने पॉइंट आउट किया ये सारे पॉइंट क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ है नहीं इसीलिए बोलते हैं नो कोरिलेशन एक और बना दो ये लो यू शेप में बना दिया ये हमारा पॉइंट इस तरीके से आया या ये वाला पॉइंट हमारा एक और तरीके से हो सकता है ये लो ऐसे आ गया अब बताओ इसको क्या नाम दोगे कुछ नाम दे पाओगे इस प्यार को क्या नाम दोगे तो वही तरह प्यार है जो ना तो हमारा तो ना किसी का होने छोड़ा है नहीं तो इसी को बोलते हैं नो कोरिलेशन बोलो समझ आया जिसमें कोई भी रिलेशनशिप आप नहीं देख पा रहे हो दिस इज योर नो कोरिलेशन तो यहां पर हमारे स्कैटर डायग्राम के अंदर ये पांचों के पांचों पॉइंट कंप्लीट होते हैं हमारा ये टॉपिक तो इन सारे स्कैटर डायग्राम के टाइप्स को पढ़ लेने के बाद अब जरूरत है एक क्वेश्चन की जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी तो चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन यहां पर है देखिए मेक स्कैटर डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमारे पास प्राइस है और सप्लाई है आप देख पा रहे हो प्राइस 10 20 30 40 50 हो रही है सप्लाई 70 140 210 280 और 350 हो रही है आपको बनाना है स्कैटर डायग्राम हमने एक्स एक्सिस पे लिया सप्लाई और वाई एक्सिस पे लिया प्राइस प्राइस है 10 पे 70 10 ये रहा 70 20 पे 140 30 पे 210 30 पे 210 40 पे 280 40 पे 280 और 50 पे 350 50 पे 350 अब अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर लें तो ये बन जाएगी हमारा स्कैटर डायग्राम अब ये बताओ आप लोगों ने बता सकते हो ये परफेक्टली पॉजिटिव है परफेक्टली नेगेटिव है पॉजिटिव हाई पॉजिटिव लो नेगेटिव हाई नेगेटिव लो या नो कोरिलेशन कौन सा वाला है ये वेरी गुड ये बिल्कुल 45 डिग्री पर बन रहा है और सारे पॉइंट 45 डिग्री पर ही प्लॉट हो रहे हैं इसीलिए इसको बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव यानी ये आपका क्या बना है परफेक्टली पॉजिटिव बना है बोलो समझ आई आपको बात तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि डायग्राम परफेक्टली पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी कुछ है ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की स्कैटर डायग्राम के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है ये भी हम देख लेते हैं देखो मेरिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कैटर डायग्राम बहुत ही सिंपल है बनाने में नंबर टू इजिली अंडरस्टैंड है बहुत ही आसानी से चीजों को समझा जा सकता है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू अगर इसमें रहती तो ये अफेक्ट नहीं होता है और ये पहले स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन का डीमेरिट का क्या है नॉन मैथमेटिकल मेथड क्योंकि इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज नहीं किए जाते इसलिए कहा जाता है ये मैथमेटिकल यूज नहीं है इसका रफ मेजर इसको देखकर आप एक रफ मेजर लगा सकते हो लेकिन एक्यूरेट फिगर पर नहीं जा सकते हो हर जगह पर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा मतलब अगर डेटा हमारे पास जैसे इतना था बट ये डेटा बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा तो ऐसे में क्या हम इतने लंबा डायग्राम बनाते तो आप सोचो ये बहुत मुश्किल हो जाता तो ये इसके क्या है खामियां है यहां पर हमने अब स्कैटर डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल पियर्सन और स्पियर्स मैन की बात करेंगे दोस्तों साथ के साथ याद रखना हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल इसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स इस पे भी आप सब्सक्राइब हो लेना जिससे कि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इसमें हमने नोट्स फॉर्म और पीडीएफ फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है और आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना सो गाइस आज के लिए इतने बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए पीस आउट